किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन दम बिरयानी। चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए हमारे 2 किलो हमारा चिकन है और हमारे 1.5 किलो हमारे चावल हैं। पहले अपने हम चावलों को डाल देते हैं। ये हमारे हमने पानी रख दिया था चावलों का 3 गुना। अब हम इसमें ये 2 हमारे तेज पत्ते हैं, 2 हमारी हरी मिर्चें हैं और ये हमारे 3 से 4 हमारे इलायची हैं और 3 से 4 लौंग है और आधा चम्मच हमारा जीरा है। इसे हम डाल देंगे और इसमें 4 से 5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे। ये देखिए हमने चावल अपने दूसरे गैस पर रख दिया। तब तक हम अपनी अखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम आपको सामान बता देते हैं। ये हमारा खड़ा गरम मसाला है, हमने 2 तेज पत्ते लिए हैं इसमें। ये हमारा 1.5 चम्मच हमारे बड़े हमने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच हमारा जीरा है और हमारी 8 से 10 हमारी काली मिर्चें हैं और ये हमारे 4 से 5 हमारी लौंगे हैं, 4 से 5 हमारी हरी इलायची हैं और ये हमारे जावत्री है और ये हमारी हमने प्याज ली थी, हमने 5 से 6 प्याज ली थी जिसमें हमने 4 हमने फ्राई करके रख ली हैं जिन्हें हम दम लगाएंगे तब काम में लेंगे। और ये हमारी 1 बड़े साइज का प्याज है जो हमने बारीक काट लिया है। ये हमारे मसाले हैं, हमने 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च ली है। ये हमारा 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है। ये थोड़ा सा हमारा हल्दी है और हमारा 1 टेबल स्पून बड़ा हमने नमक लिया है। ये हमारे 3 टमाटर हैं जो हमने बारीक काट लिए। ये हमारी हरी मिर्चें हैं और ये हमारा दही है, हमने 1.5 कप लिया है। तो और ये हमारे साथ दम का सामान है, यह हम बाद में बताएंगे आपको। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2 बड़े चम्मच हमारा ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई करे थे, हम इसे डाल देंगे। इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, ठंडा हो गया था। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, हम इसमें अपना खड़ा मसाला डालेंगे। थोड़ी सी देर के लिए हम थोड़ा सा मुझे तड़कने देंगे अपने जीरे साबुत धनिया को। तो देखिए सब थोड़ा कलर चेंज हो गया। अपने लहसुन का पानी डालेंगे, कि लहसुन का पानी है हमने 15 से 20 हमने लहसुन की कलियाँ और हमने थोड़े मिक्सी में मोटा और पीस के हमने इसे छान लिया था। ये देखिए हमारे लहसुन को पकते हुए हमारे 1 मिनट होगा। अपने प्याज डालेंगे, प्याजों को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इनका। ये देखिए हमारे प्याजों को फ्राई होते 3 से 4 मिनट हो गए। अपना हम चिकन ऐड करेंगे। ये हमारा 2 किलो चिकन है। इसे हम 3 से 4 मिनट इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे चिकन को 4 से 5 मिनट और फ्राई होते हैं। अब अपने आप उसमें मसाले डालेंगे। हमारे 2 किलो चिकन था। अगर आपको कम बनानी हो तो आप 1 किलो चिकन लें और 750 ग्राम चावल ले लें, और 1 किलो चावल लेना हो तो आप 1.5 किलो चिकन ले लें। मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। अब अपने इसमें टमाटर डालेंगे। ये हमारी 10 से 15 हरी मिर्चें हैं जो हमने लंबी चीर ली हैं और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। बाकी को हम दम लगाएंगे तब काम में लेंगे। ये हम आपको दिखाना भूल गए थे, ये हमारा 1/2 चम्मच हमारा घर का गरम मसाला है।
ये देखिए जब तक हमारे अखने तैयार हो रही है हम दम का सामान बता देते हैं। ये हमारी दही है जो हमने बचाई है, ये हमारा एक चम्मच मर मिर्चों का अचार है और एक चम्मच टॉप्स का है, और हमारी ये प्याज है जो हमने फ्राई कर रखी है, ये हमारा हरा धनिया है, ये हमारी अदरक है हमने 1 इंच का टुकड़ा हमने लंबाई में काट लिया था, ये हमारा 2 टेबल स्पून हमारा गर्म मसाला बिरयानी मसाला। आइए हम पहले अपने दही में थोड़ा सा ये हमारा फूड कलर है, थोड़ा सा हम फूड कलर दही में डालेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने अपने दही में कलर मिला लिया, और हम अपनी धनिया को एक बाउल में डालेंगे, ये हमारी अदरक है, थोड़ा सा हम इसमें 1/2 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे, ये हम थोड़ा सा इसमें कलर डालेंगे, और ये हमारा 1 चम्मच केवड़ा है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारे चावल भी हो गए हैं अच्छे से, अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। ये देखिए अपने चावलों से हम पानी निकाल देंगे, हमने दूसरा छन्ना यूज़ नहीं करा है, हम इसी में ढक्कन लगा के इसी में से पानी निकाल देंगे। ये देखिए हमने सारा पानी इसका निकाल दिया है, भगोने में ढक्कन लगा के निकाला था। ये देखिए अपनी अखनी को भी हम देख लेते हैं, ये हम साइड में रखेंगे, अखनी भी हमारी बनने ही वाली है थोड़ी देर में। ये देखिए हमारी अखनी बनकर तैयार है, अब हम इसमें दम लगाने वाला सामान डालेंगे, इसे हम नीचे उतार लेते हैं गैस से। बोटी को हम अपने साइड में कर देंगे, पहले अपना इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप अपने घर का मसाला भी डाल सकते हो। थोड़ा हम अपना ये धनिया और हमारे जो हमने केवड़ा और हमारी अदरक मिला के रखी थी इसे भी डालेंगे, थोड़ा हम इसे प्याज डालेंगे, ये हमारा दही है जो हमने कलर मिला के रखा हुआ था, इसे ऐसे डालने से बोटियों पे कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमने अपना दही सारा सामान डाले, अपने चावल डालेंगे, ये देखिए हमने 1/2 चावल डाल दिए थे, अब हम अपना ये हमारा 1 चम्मच मिर्च का अचार है, और ये हमारा टॉप्स का अचार 1 चम्मच। ये हमारी फ्राई की हुई अनियन है, ये डालेंगे जो हमने प्याज फ्राई करके रखी हुई थी, और ये हमारा धनिया जो बचा हुआ था ये भी डालेंगे। अब अपना बचा हुआ चावल है ये भी डाल देंगे। इसमें हम एक तरफ कलर डालेंगे, प्याज डालेंगे, ये
ये देखिए हमने सारा सामान डाल दिया, इसमें लेयर लगा दी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये हमारा गीला कपड़ा है, तीन से चार मिनट के हाई फ्लेम पर रखेंगे, पर हल्का गैस को हल्का कर देंगे। ये देखिए जब तक हमारी बिरयानी तैयार है, उसके साथ खाने वाली चटनी बना ले रही है। हमें दो टमाटर हैं मीडियम साइज के, ये हमारी 6 से 7 हमारे लहसुन की कलियां हैं, और ये हमारे 4 साबुत लाल मिर्चें हैं, और ये हमारा 1 चम्मच जीरा है, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें दही डालेंगे, बाकी दही को हम बाद में, ये 1/2 चम्मच हमारा नमक है। अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हमारी जो दही बची हुई थी हम इसे भी डाल देंगे। दही आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खानी हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमारी 1 कप दही थी। ये देखिए हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। अब अपनी बिरयानी को हम सर्व करेंगे। देखिए हम अपनी बिरयानी को अब सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।